ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? पहले इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. याद है क्या आपको, हम लोगों ने दो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़े थे, एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो देयर वर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट वी हैड स्टडीड. सो एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. हम लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में और कुछ भी पढ़ा था, क्या था वो तो एप्स थे जो हमें स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हेल्प करते हैं, है ना. सो वो दोज वर कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर थे क्या कर रहे थे, दे वेर कंट्रोलिंग द सिस्टम ऑपरेटिंग द सिस्टम. ओके, तो जब कभी आपको सिस्टम कंट्रोल करना है, ऑपरेट करना है, ये सब कब कर सकते हैं, ओनली व्हेन यू यूज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, सो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा. ओके, क्लासिफाइड अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर. देखो, मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस. जो कुछ कंट्रोल है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर के साथ अटैच हुआ है वो सबको ये मैनेज करता है. सो कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ व्हाट, कंप्यूटर तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से ही कॉम्पोनेंट हुआ है ना. इट कंटेन्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो ये क्या करता है, ये तो कंट्रोल करता है. सो इट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. समझ में आया आपको? सो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला जॉब, मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस. तीसरा है इट्स फंक्शंस. ये जो फंक्शन करता है ये सिर्फ मैनेज करता ही नहीं है, उसके भी ज्यादा करता है. क्या सब करता है, इनपुट कलेक्ट करता है, आउटपुट देता है, मेमोरी एलोकेट करता है और सिस्टम कॉल्स जनरेट करता है. ओके, पहला तो इनपुट है, हम लोगों ने इनपुट ऑलरेडी देखा था. इनपुट का मतलब क्या है, एनी डेटा, एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय अ पर्सन टू अ कंप्यूटर. ये क्या होता है, इनपुट. सो एनी डेटा दैट यू गिव इट टू अ कंप्यूटर यू कॉल इट एज इनपुट. ओके, सो इनपुट देता है, इनपुट का मैनेज करता है. और दूसरा क्या करता है, आउटपुट है. आउटपुट क्या होता है, इनपुट का राइट ऑपोजिट. आउटपुट क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर यूजर को देता है वो कहते हैं आउटपुट. सो ये आउटपुट को भी मैनेज करता है. उसके बाद देखो मेमोरी एलोकेशन. एलोकेशन का मतलब है गिविंग देम, एलोकेट करना. सोचो कि आप एग्जाम हॉल में हो और एग्जाम हॉल में हर एक टेबल में आपका रोल नंबर लिखे बैठते बोलते हैं कि आप यहां पे ये बैठना चाहिए, है ना. सो दैट इज कॉल्ड एलोकेशन, गिविंग यू अ सेपरेट प्लेस. सो ये क्या करता है, मेमोरी को एलोकेट करता है. अभी आप दो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा कौन सा एप्लीकेशन कहां पे जाके बैठ गया. ओके, सो मेमोरी एलोकेशन करता है. और सिस्टम कॉल्स, ये जो सिस्टम कॉल्स हैं ये सब नोटिफिकेशंस हैं. हमें तो आएगा ना सिस्टम से कॉल. फॉर एग्जांपल अभी बैटरी लो हो गया, सिस्टम का बैटरी लो हो गया, लैपटॉप का बैटरी लो हो गया, तो क्या करेंगे, यू विल इमीडिएटली गेट अ नोटिफिकेशन, बैटरी लो है, प्लीज पुट ऑन योर चार्जर. ये सब सिस्टम कॉल्स है जो सिस्टम हमें देता है. ऑलराइट, सो ये होता है सिस्टम कॉल्स. सो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक थिंग्स. अभी देखते हैं और क्या क्या है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में. ऑलराइट, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स में है. ओके, हमें तो पता है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है सिस्टम को, है ना. सो अभी देखते हैं कितने सारे टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में. पहला है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम. सेकेंड वन इज मल्टी टास्किंग. तीसरा है मल्टी यूजर. तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर. फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड. फिफ्थ वन जो है वो टेम्पलेटेड है. और सिक्स्थ वन इज एम्बेडेड. समझ में आया आपको? सो इतना सारा टाइप्स है, हम आज इसका
एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, देखते हैं कौन सा टाइप क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में. ऑलराइट, सो पहला जो है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है. सिंगल का मतलब क्या है? सिर्फ एक, ओनली वन. ओके, सिंगल का मतलब है ओनली वन. सो ये सिंगल ऑपरेटिंग क्या करता है? इट कैन रन ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम. सो ये तो एक ही एक प्रोग्राम. अभी आप कैलकुलेटर खोलोगे तो सिर्फ कैलकुलेटर पे ही काम करेगा और कुछ पे भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे एक प्रोग्राम रन करने के लिए ही उसके पास जगह होगा और प्रोसेसर भी होगा. ऑलराइट, सो क्या करता है? इट कैन रन ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम. ओके, सो डिस्टिंग्विश्ड यूजर्स आर इन प्रेजेंट. इसका डिस्टिंग्विश्ड का मतलब है डिफरेंट. डिस्टिंग्विश्ड का मतलब है डिफरेंट. डिफरेंट यूजर्स aren't present. उसका मतलब है अभी जो काम करता है उसमें सिर्फ एक ही यूजर काम कर सकता है. ओके, कितना यूजर्स काम कर सकते हैं? सिर्फ एक यूजर काम कर सकते हैं. अभी दूसरा को काम करना है तो पहला जो यूज कर रहा है वो वहां से जाना पड़ेगा और दूसरा आके बैठ के वहां पे काम कर सकता है. समझ में आया आपको? सो वन प्रोग्राम एट अ टाइम, वन यूजर एट अ टाइम. समझ में आया? और डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स कुछ नहीं यहाँ पे होगा सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में. और ये बहुत ही स्लो होगा, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि हम लोग एक एक टाइम पे एक प्रोग्राम ही रन कर सकते हैं ना. तो क्या होगा, एक प्रोग्राम ही रन करते हैं तो अभी दूसरे प्रोग्राम रन कर लिए तो वी हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट प्रोग्राम टू एंड. सो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही स्लो हो जाता है प्रोसेस. समझ में आया? यही है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी देखो मल्टीटास्किंग, हम लोगों ने ये वर्ड तो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं अभी. मल्टी का मतलब क्या है? मैनी. मल्टी का मतलब है मैनी. ओके, सो मैनी टास्क. टास्क का मतलब है, हम लोग ये भी देख चुके हैं प्रीवियस सेशंस पे, टास्क का मतलब है जॉब्स. टास्क का मतलब है जॉब्स. सो अभी मैनी जॉब्स, ज्यादा जॉब्स करेगा. सिंगल तो सिर्फ एक जॉब करेगा एट अ टाइम, ये क्या करने वाला है? ये तो ज्यादा जॉब्स करेगा, मोर देन वन जॉब. ओके, सो देखो डस मोर देन वन टास्क एट अ टाइम. इसका मतलब है अभी आप कैलकुलेटर में काम कर रहे हो और गाना सुनाना चाहते हो. क्या कर सकते हो? कैलकुलेटर में काम भी कर सकते हो, गाना को प्ले भी कर सकते हो. और आपको गाना तो सुन रहे है ना, गाना भी सुन रहा है और कैलकुलेटर पे भी काम कर रहे हो. सो ये क्या होता है? मल्टीटास्किंग होता है, मोर देन वन जॉब एट अ टाइम. समझ में आया आपको? सो ये क्या करते हैं हम लोग यूजुअली, अभी ज्यादा एप्लीकेशंस पे काम करना है, यहां से यहां पेस्ट करना है, यहां से कॉपी करना है, वो वाले सिस्टम्स के लिए ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही हेल्प होगा. ऑलराइट, सो दूसरा देखो यूजेस टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट. इसका मतलब है ये नहीं करता है कि सिर्फ एक प्रोग्राम को कंप्लीटली टाइम देता है. सोचो दो प्रोग्राम्स हैं, एक है म्यूजिक प्लेयर. ओके, अभी मैं एक म्यूजिक प्ले कर रही हूं और कैलकुलेटर पे काम कर रही हूं. जो प्रोसेसर जो है क्या करेगा, अपने आप को टाइम से डिवाइड कर देगा. सोचो कि दोनों हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 मिनट का काम कर रहे हैं दोनों में. ओके, तब क्या होगा, सेकेंड से सेपरेट होगा, टू सेकेंड्स ऐसे डिवाइड हो जाएगा. ऑलराइट, सो पहला 2 सेकेंड्स में म्यूजिक को अलॉट हो जाएगा, दूसरा 2 सेकेंड्स कैलकुलेटर को अलॉट हो जाएगा. वापस यहां पे म्यूजिक कैलकुलेटर. ये करने से क्या होगा, हमें दोनों पे काम करने के लिए टाइम मिल जाता है. ये तो आप पूछ सकते हो ये से ऐसे करेगा तो हमें गाना तो आधा आधा ही सुनेगा. नहीं, प्रोसेसर जो है बहुत ही फास्ट काम करता है. ओके, सो क्या होगा, अभी आप कैलकुलेटर क्लिक करने से पहले यहां पे का 2 सेकेंड्स खत्म हो जाएगा. सो वापस कैलकुलेटर पे आप काम कर सकते हो. ये कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम शेयरिंग. सो जो जितना टाइम बचा है उसमें से डिवाइड होगा, क्या होगा, जो टाइम है वो डिवाइड होगा मिनिमम सेकेंड्स में. होने के बाद एक एक पार्टीशन अलग अलग को देते जाएंगे, ऑल्टरनेट, पहला म्यूजिक कैलकुलेटर, फिर वापस म्यूजिक कैलकुलेटर, ऐसे वापस अलॉट करके जाएंगे. और इतना फटाफट हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम शेयरिंग चल रहा है. ओके, तीसरा है डिवाइड्स द प्रोसेसर इंटू
टाइम स्लाइसेस, ये तो मैं बोल रही थी, टाइम स्लाइसेस जो हर एक 2 सेकेंड्स है इसे कहते हैं टाइम स्लाइसेस, एंड कंप्लीट द टास्क। समझ में आया? टाइम शेयरिंग कर रहे हैं, कैसे शेयर कर रहे हैं, हर एक टाइम स्लाइस लेते हैं। स्लाइस का मतलब है मिनिमम टाइम जो आप शेयर कर सकते हो, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, वैसा वाला स्लाइसेस करते हैं और मल्टीटास्किंग करते हैं। समझ में आया? सो ऐसे ही मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तीसरा है मल्टी यूजर। मल्टी तो हमें पता है क्या है, मेनी। मल्टी तो मेनी है, सो मेनी यूजर्स। सिंगल में तो आपने देखा था सिर्फ एक यूजर ही एक टाइम पे काम कर सकते हैं, यहां पे भी एक यूजर ही एक टाइम के काम कर सकते हैं, मगर यूजर्स का सेपरेट सेग्रीगेशन होगा। उसका मतलब है हर एक का सेपरेट ड्राइव्स होंगे, सेपरेट स्टोरेज होंगे। देखते हैं पहले ये डिस्टिंग्विशेस डिफरेंट यूजर्स। हर एक यूजर को आइडेंटिफाई करता है, हर एक यूजर को आइडेंटिफाई करता है। सोचो कि एक सिस्टम पे, सोचो कि एक सिस्टम पे आप काम कर रहे हो। काम करने से क्या होगा आपके, आप सोचो कि आप शेयर करने वाले हो आपके ब्रदर के साथ। सो आप दोनों के लिए हर एक को एक एक यूजर लॉगिन कर सकते हो। सो क्या होगा, आपका फाइल्स तो आपके ब्रदर को देखना ही नहीं पड़ेगा, और आप भी वैसे ही ब्रदर्स के फाइल को भी देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेपरेट स्टोरेज एलोकेशंस भी हो जाता है। ओके देखो, यूजेस ड्राइव स्पेस एंड डिस्क टू डिस्टिंग्विश रिसोर्सेस ऑफ यूजर्स। उसका मतलब है हर एक स्टोरेज, हर एक रिसोर्सेस कैसे होगा। रिसोर्सेस क्या है, हार्डवेयर हो सकता है, डेटा हो सकता है। ओके, ऑल दीज रिसोर्सेस विल बी डिफरेंट फॉर ईच। अभी सी ड्राइव पे मैं यूज कर रहा हूं, तो मैं यूज कर रही हूं, तो मेरी सिस्टर कैन यूज इट इन अ डी ड्राइव। सो स्टोरेज एलोकेशन भी सेपरेट होगा। ऑलराइट, मल्टीटास्किंग, ये तो ऑब्वियसली मल्टीटास्किंग करेगा। दो या मोर ऑफ द जॉब्स कैन बी डन एट अ सेम टाइम। मोर देन वन यूजर कैन यूज द सिस्टम एट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि यूजर डिफरेंट है, सो यू कैन वेरी वेल यूज योर पार्टीशन एंड ही कैन यूज हिज पार्टीशन। समझ में आया? ये है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है शेयर करना सब लोगों को। ऑलराइट, सो मैनेजर्स अ ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट कंप्यूटर्स। डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट। मैनेजर्स अ ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट कंप्यूटर्स एंड व्यू देम एज वन। सो सोचो कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ओके, तीन सिस्टम्स हैं, ये सब कनेक्टेड होना चाहिए। कनेक्टेड होने से सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा इसके ऊपर, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सोचेगा, तीनों सिस्टम एक ही सिस्टम से सोचेगा। ओके, क्योंकि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है ना, सो तीनों सिस्टम्स एक सिस्टम्स बन जाएंगे। सो देखो, नेटवर्क्ड सिस्टम्स, ये तो बहुत जरूरी है। आपका सिस्टम्स नेटवर्क पे होना चाहिए। नेटवर्क माने कनेक्टेड वायर्स के हिसाब से, या फिर कोई और वाईफाई से हिसाब से कनेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। ओके, आर यूजुअली कनेक्टेड विद दिस ओएस। मोर देन वन कंप्यूटर कैन कनेक्ट टूगेदर एट अ टाइम। सो यहाँ पे कितना कंप्यूटर्स है, 3 कंप्यूटर्स है। सो कितने सारे कंप्यूटर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर वो नेटवर्क पे है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम को वो यूज कर सकता है। समझ में आया आपको? सो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है टेम्पलेटर। टेम्पलेटर जो है, अभी तो डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोगों ने देखा था, जब ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाउड पे रहेगा। क्लाउड का मतलब है ऑनलाइन स्टोरेज। ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्लाउड पे रहेगा, और वो हम जब यूज करते हैं वो हो जाता है टेम्पलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना दिन कहां था, हमारे सिस्टम के अंदर था, है ना, मगर सोचो अभी ऑनलाइन स्टोरेज में है, वहां से हम लोग यूज कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टोरेज कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें, नेटवर्क चाहिए, है ना। सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑलरेडी नेटवर्क पे है। सो जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑनलाइन से ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है, वो ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कहते हैं टेम्पलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया? क्रिएटिंग वन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेकिंग मोर देन वन वर्चुअल मशीन एक्सेसेड। सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा ऑनलाइन पे,
और जितना ज्यादा सिस्टम्स हैं, जो सिस्टम्स नेटवर्क पे कनेक्टेड है उसे कहते हैं वर्चुअल सिस्टम्स. सो इतना सारा सिस्टम्स है, सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकता है. सो ये होता है टेम्पलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. समझ में आया आपको? इजी है? ओके. सो लास्ट वन इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये तो बहुत ही फेमस है, अभी आपको तो पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये कहां पे यूज होता है? फ्रिज में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर्स में, ओके, और अपने स्मार्टफोन्स में, अभी तो टीवी में भी यूज करने शुरू कर दिए हैं, ओके, क्योंकि ये जो चिप होता है इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है. आप तो सुन रहे हो स्मार्ट टीवीज, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स, वो सब कैसे स्मार्ट बन जाता है? क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है. जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इतना सा चिप के अंदर डाल के एक सिस्टम पे डाल रहे हैं उसे कहते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिर्फ कंप्यूटर में नहीं, बाकी सभी सिस्टम्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो जाता है. ऑलराइट, सो यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम्स रिक्वायर्स ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज. इसका रिसोर्सेज तो बहुत ही कम है. फ्रिज का रिसोर्स क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है. और कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है. सो नंबर ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी वेरी लिमिटेड. और ये बहुत कॉम्पैक्ट है. कॉम्पैक्ट का मतलब है स्मॉल. कॉम्पैक्ट का मतलब है स्मॉल. एंड एफिशिएंट का मतलब है, एफिशिएंट का मतलब है बहुत ही परफेक्टली पावरफुली वर्क करता है. समझ में आया? सो ये है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. सो आज हम लोगों ने क्या पढ़ाया चिल्ड्रन? हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. प्लीज रिवाइज योर लेसन्स. मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन. बाय.